हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रियंकाज लेक्चर्स। एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। आज हम ये जानेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम में एजुकेशन सिस्टम कैसा था इंडिया में। कॉलोनियल रूल शुरू कब हुआ था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई थी, तब कॉलोनियल रूल शुरू हुआ था। इनिशियली तो ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। कुछ ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जिनको संस्कृत और पर्शियन और तमिल लैंग्वेज में सीखने में इंटरेस्ट आया। उन्होंने ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखी और उन्होंने प्रमोट करी ओरिएंटल लर्निंग। ओरिएंटल लर्निंग क्या होता है? लर्निंग ऑफ इंडियन कल्चर, वैल्यूज, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। इसमें उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया कि एजुकेशन में हमें इंडियन कल्चर के बारे में सिखाना चाहिए। फिर आए एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट कौन होते हैं? जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उन्होंने डिस्करेज किया ओरिएंटल लर्निंग को और सपोर्ट किया वेस्टर्न लर्निंग को। उन्होंने कहा कि बच्चों को ओरिएंटल लर्निंग नहीं सिखानी चाहिए बल्कि वेस्टर्न लर्निंग सिखानी चाहिए, यानी कि वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ाना चाहिए। जो नंबर ऑफ एंग्लिसिस्ट थे वो ज्यादा थे नंबर ऑफ ओरिएंटलिस्ट से। तो फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई कुछ ऐसे स्कूल्स खोलने के लिए जो सिर्फ यूरोपियन चिल्ड्रन के लिए हों, और वो चिल्ड्रन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हैं और लेकिन इंडिया में रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए परमिशन मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एजुकेशन के कॉलोनियल रूल के टाइम में। पहला कैरेक्टरिस्टिक है फोकस ऑन एलीट क्लास। जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया उसमें फोकस उन्होंने किस पे किया? एलीट क्लास पे किया, यानी कि अपर क्लास पे किया। उन्होंने ये क्लास इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसी एक क्लास बने इंडियंस की जो कि दिखने में और ब्लड में तो इंडियन हो लेकिन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स और इंटेलेक्ट में इंग्लिश हो। मतलब उनके टेस्ट तो इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स जैसे हों, ओपिनियंस भी, सोच भी ब्रिटिशर्स जैसी हो, उनकी मॉरल वैल्यूज भी ब्रिटिशर्स जैसी हों और सोचने का ढंग भी ब्रिटिशर्स जैसा हो, लेकिन दिखने में वो इंडियंस हों और बाय ब्लड भी वो इंडियन हो। इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हायर स्टडीज होती थी उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को ही मीडियम रखा गया था इंस्ट्रक्शन का। इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करी जाती थी। अगर आपको कोई हायर एजुकेशन लेनी है तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस इंग्लिश सीखें जिससे कि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोअर पोस्ट होती थी वहां पे उनको अपॉइंट किया जा सके, क्योंकि बिना इंग्लिश लैंग्वेज के तो किसी भी इंडियन को अपॉइंट करना मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश को ही मीडियम बनाया इंस्ट्रक्शन का। प्रिंटिंग ऑफ इंग्लिश बुक्स। अब उस कॉलोनियल रूल के टाइम में इंग्लिश बुक ज्यादा प्रिंट होने लगी और ये बुक्स कुछ तो फ्री में अवेलेबल थी और कुछ जो अवेलेबल थी तो लो प्राइजेस में अवेलेबल थी। नेक्स्ट है प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन। तो उस टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम था वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करता था। कैलकटा कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया था इसी पर्पस के लिए इंडिया में। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न साइंसेज एंड वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ें जिससे कि वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर सकें। इग्नोर्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस एजुकेशन सिस्टम ने कभी भी सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा कि इंडिया की कुछ सोशल डेवलपमेंट हो, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ऐसा उसका पर्पस नहीं था। एजुकेशन सिस्टम का कंसर्न इस बात से था कि ब्रिटिश राज की पॉलिटिकल अथॉरिटी बढ़नी चाहिए।
मतलब कि ब्रिटिश राज को इंडिया को कॉन्कर करने में जो हेल्प मिले, उनको रूल करने में जिससे हेल्प मिले, उस तरह से इस सिस्टम को डिजाइन किया गया था। वीकन द यूनिटी ऑफ द नेशन, जो एजुकेशन सिस्टम का पर्पस था वो नेशनल इंटीग्रेशन को कमजोर करने के लिए था। ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया में बहुत ज्यादा कल्चर को माना जाता है और जो इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा प्राउड हैं अपने ट्रेडिशंस को लेके, तो इंडिया को कॉन्कर करने के लिए इन रूट्स को कमजोर करना जरूरी था, उनकी इस प्राउड को, और जो उनकी जो कल्चर पे इतनी और जो इंडियन वैल्यूज और बिलीव्स पे जो इतनी ज्यादा फेथ है उसको वो कम करना चाहते थे। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिस्करेज करता था इंडियन कल्चर की एजुकेशन के लिए। वो एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहता था कि इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाए या उनकी वैल्यूज सिखाई जाएं, जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्सेट्रा। प्रीच क्रिश्चियनिटी, चार्टर एक्ट 1823 जो आया था उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को ये परमिशन दे दी गई थी कि वो क्रिश्चियनिटी की आइडियाज को प्रमोट करें इंडिया में, यानी कि वो क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करें इंडिया में। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो क्रिश्चियंस बन जाएं और क्रिश्चियन आइडियोलॉजीज को और वैल्यूज को अडॉप्ट कर लें। इसीलिए इंडिया में उस टाइम में कुछ क्रिश्चियन स्कूल्स भी खोले गए थे, जैसे कि आज के टाइम में भी आप देखते होंगे क्रिश्चियन स्कूल्स खुले हुए हैं, जैसे कि होली चाइल्ड है, मॉन्टफोर्ट है, और भी स्कूल्स हैं। रिड्यूस चीप लेबर, अब एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या था कि इंडियंस को क्यों पढ़ाना चाहिए? एक तो इसलिए कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा सके, और इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सिखानी थी कि जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनको सबॉर्डिनेट पोस्ट यानी कि लोअर पोस्ट पर इम्प्लॉय किया जा सके कम सैलरी में। उनको चाहिए था कि इम्प्लॉयज उन्हें मिलें लेकिन कम सैलरी में मिलें, और वो इससे ये भी चाहते थे कि इससे क्या है कि इंडियंस हमेशा जो है ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहेंगे, क्योंकि वो लोअर पोस्ट पे रहेंगे, कभी भी उनको हायर पोस्ट पे तो प्रमोट किया नहीं जाएगा, लोअर पोस्ट पे काम करेंगे और हमेशा ब्रिटिशर्स के अंडर ही काम करेंगे, तो इससे उनको रूल करने में हेल्प होगी। दूसरा है कि इसमें पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाज टू प्रोड्यूस इंडियंस हु कुड एक्ट एज इंटरप्रेटर्स। अब ये क्या चाहते थे कि कुछ ऐसे इंडियंस हमें मिल जाएं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे तो इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी, और फिर वो क्या करेंगे कि इंटरप्रेटर का काम करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और इंडियन पीपल के बीच में। डिडंट एम एट एजुकेटिंग द मासेस, इस एजुकेशन सिस्टम का एम सारी पॉपुलेशन जो है इंडिया की, सारे लोग जो है इंडिया के, उनको पढ़ाने का नहीं था, सिर्फ अपर क्लास को पढ़ाने का था। वो ये चाहते थे कि जो अपर क्लास है यानी कि एलीट्स जो है उनको वेस्टर्नाइज किया जाए, जिससे कि वो मासेस को यानी कि पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर पाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं बीएड के टॉपिक्स पे। थैंक यू।